हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक बिल्कुल नए और बहुत ही रहस्यमय क्रिप्टिड क्रीचर के बारे में। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्रिप्टिड क्रीचर किन्हें कहते हैं। दरअसल ऐसे रहस्यमय जीव जिनके सच में होने और ना होने के बारे में आज का साइंस पूरी तरह से श्योर नहीं है। मतलब कि ऐसे रहस्यमय जीव जिनको कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ लोग झूठ मानते हैं, उनको ही क्रिप्टिड क्रीचर कहा जाता है। जैसे कि बिगफुट, येति, डॉगमैन, गोटमैन, वेयरवुल्फ, जर्सी डेविल और क्रॉलर वगैरह। तो आज मैं आपको जिस रहस्यमय क्रिप्टिड क्रीचर के बारे में बताऊंगा, उसको कहा जाता है द थंडरबर्ड। मैं आपको थंडरबर्ड नाम के इस रहस्यमय जीव के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही मैं इस जीव को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाएं भी आपको बताऊंगा और इस जीव की कुछ असली फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस जीव के बारे में जानकारी दे देना चाहूंगा। थंडरबर्ड, इसके नाम में ही बर्ड है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक पक्षी होता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पक्षी नहीं होता है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी पक्षी नहीं है जो थंडरबर्ड के आधे साइज का भी होता हो। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा में रहने वाली लगभग सभी जनजातियाँ थंडरबर्ड के बारे में जानकारी रखती हैं, जैसे कि नवाजो जनजाति, ओजिब्वे जनजाति, पोटावाटोमी जनजाति, एल्गोनक्विन जनजाति, विन्नेबागो जनजाति वगैरह। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सभी जनजातियाँ अमेरिका और कनाडा के मूल निवासी हैं। मतलब कि इन जनजातियों के लोग हजारों सालों से अमेरिका और कनाडा में रहते आए हैं, और अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो अब अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में रह रहे हैं, वो सभी कुछ सौ सालों पहले ही यूरोप से आकर अमेरिका और कनाडा में बसे थे। खैर, अमेरिका और कनाडा में रहने वाली सभी जनजातियाँ थंडरबर्ड के बारे में अलग अलग मान्यताएँ रखती हैं। जैसे कि अमेरिका में रहने वाली नवाजो जनजाति के लोग थंडरबर्ड को एक चमत्कारी जीव मानते हैं जो कि किसी देवता जैसा है। नवाजो लोगों का मानना है कि थंडरबर्ड बुरी शक्तियों से इंसानों की रक्षा करता है और किसी भी आने वाले बड़े खतरे से पहले ही इंसानों को चेतावनी भी दे देता है। नवाजो जनजाति की तरह ही बाकी सभी जनजातियाँ भी थंडरबर्ड को एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा मानती हैं, ऐसी आत्मा जो कि इंसानों की भलाई चाहती है। साथी दोस्तों, कई जनजातियों का ये भी मानना है कि इंसानों से नाराज होने पर थंडरबर्ड आंधी तूफान और बारिश भी लेकर आता है। उन लोगों का मानना है कि थंडरबर्ड के पंख फड़फड़ाने से बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बिजलियां कड़कती हैं। हो सकता है कि थंडरबर्ड आंधी तूफान के समय ज़्यादा दिखाई देता हो, इस वजह से इन जनजातियों के लोग थंडरबर्ड के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा में रहने वाली जनजातियाँ थंडरबर्ड को एक जादुई जीव मानती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के मॉडर्न टाइम में भी इस भयानक जीव को देखे जाने की कई घटनाएँ हुई हैं, ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों का सामना एक बहुत ही बड़े पक्षी से हो गया था। थंडरबर्ड को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिनमें थंडरबर्ड इंसानों पर हमला भी कर देता है। दोस्तों, ये थी थंडरबर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैंने अभी आपको बताई। मैंने ज़्यादा डिटेल में इस जीव के बारे में आपको नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। पर अगर आपको इस जीव के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस जीव से जुड़ी जानकारी के लिंक सेंड कर दूंगा। साथ ही दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कई तरह के मिस्टीरियस और हॉरर कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, और वो कंटेंट मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूं थंडरबर्ड नाम के इस भयानक जीव को देखे जाने की कुछ बिल्कुल सच्ची घटनाएं। थंडरबर्ड को देखे जाने की पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पीटर नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम पीटर है, मैं अमेरिका के नेवाडा राज्य में रहता हूँ, और आज मैं आपको मेरे और मेरे छोटे भाई केविन के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 11 साल पहले हुई थी। उस समय मेरी उम्र 15 साल और मेरे छोटे भाई की उम्र 12 साल थी। फिलहाल मैं 26 साल का हूँ और मेरा छोटा भाई केविन 23 साल का। तो बात यह है कि मेरा परिवार नेटिव अमेरिकन है,
और हम लोग अमेरिका में पाए जाने वाली शोशोने जनजाति से आते हैं। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, जिस वजह से मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई अब क्रिश्चियन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे दादा दादी और नाना नानी आज भी शोशोने जनजाति के रीति रिवाज ही मानते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे नेवाडा वाले घर में मेरा पूरा परिवार, यानी कि मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, मैं और मेरा भाई, हम सभी लोग रहते हैं। बचपन से ही मेरे दादा दादी मुझे और मेरे भाई को शोशोने जनजाति में पाए जाने वाले कई तरह के अजीबोगरीब और भयानक जीवों की कहानियाँ सुनाया करते थे। भयानक जीव जैसे कि नाइमेरीगर, ईसा, वाटर बेबी और थंडरबर्ड। नाइमेरीगर ऐसे बौने इंसान होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन बौने जीवों के पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ होती हैं और ये जीव इंसानों को मारकर खा जाते हैं। इसके अलावा ईसा ऐसे जीवों को कहा जाता है जो होते तो इंसान हैं, लेकिन वो कभी भी अपना रूप बदलकर इंसान से भेड़िया बन जाते हैं। आप इन्हें शोशोने जनजाति के वेयरवुल्फ भी समझ सकते हैं। शोशोने जनजाति में वाटर बेबी ऐसी खतरनाक आत्माओं को कहा जाता है जो कि तालाबों और झीलों में पाई जाती हैं। ये भयानक आत्माएं रोते हुए बच्चों की आवाज़ें निकालकर इंसानों को तालाब या झील के पास बुलाती हैं और फिर पानी में डुबाकर उनको मार डालती हैं। इन सभी जीवों के बाद आता है थंडरबर्ड। शोशोने जनजाति के मुताबिक थंडरबर्ड एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र आत्मा होती है जो हजारों सालों से पहाड़ों और जंगलों की रक्षा करती आई है। अगर कोई शख्स पहाड़ों या जंगलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह पवित्र आत्मा उस इंसान को मार डालती है। मेरे दादा दादी बताते थे कि थंडरबर्ड एक बड़े से पक्षी के रूप में आता है और पहाड़ों और जंगलों की निगरानी करता है। मेरे दादा दादी मुझे इन जीवों की बहुत सी रोमांचक कहानियाँ सुनाया करते थे। उन कहानियों के बारे में मुझे हमेशा यही लगता था कि ये सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं और ऐसा कुछ भी असलियत में नहीं होता है। लेकिन आज से 11 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसके बाद दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया ही पूरी तरह से बदल गया। दरअसल आज से 11 साल पहले एक बार मैं और मेरा छोटा भाई रात को 8 बजे अपने खेतों के पास घूमने गए थे। हमारे खेत हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों भाई अक्सर ही रात को अपने खेतों के पास घूमने जाया करते थे। दरअसल मेरे पापा ने नेवाडा में बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी थी और जिस जगह पर हमारा घर था वहाँ से कई किलोमीटर की दूरी तक दूसरा कोई भी घर नहीं था। तो उस रात मैं और मेरा भाई खेतों के पास घूमने गए थे। हम दोनों अक्सर ही रात को खेतों के पास जाकर आसमान में तारे देखा करते थे। हमें वहाँ पर जाना बहुत अच्छा लगता था। तो उस रात हम दोनों भाई खेतों के पास घूम रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर मौसम खराब होने लगा। आसमान में काले बादल आ गए थे और बिजली भी कड़कने लगी थी। फिर देखते ही देखते वहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही हम दोनों भाई भागते हुए खेतों से वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। हम दोनों भाई आपस में रेस लगाते हुए घर की तरफ दौड़ लगा रहे थे। मैं अपने भाई से आगे भाग रहा था कि तभी भागते भागते अचानक से मेरे छोटे भाई का पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर गया। गिरते ही मेरे भाई ने दर्द में चिल्लाते हुए मुझे आवाज़ लगाई, पीटर। अपने भाई की चीख सुनकर मैं रुक गया और फिर जब मैंने पलटकर पीछे देखा तब पाया कि मेरा भाई ज़मीन पर गिरा पड़ा है। मेरा भाई ज़मीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। फिर मैं अपने भाई को उठाने उसके पास जाने लगा। जब मैं अपने भाई के पास जा रहा था तभी मैंने आसमान में एक बहुत बड़ा और अजीब सा बादल देखा। वो बादल आसमान में बाकी बादलों से काफ़ी अलग लग रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते वो अजीब सा बादल आसमान से नीचे सीधा मेरे भाई की तरफ आने लगा। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर तभी आसमान में ज़ोर से बिजली चमकी और तब मैंने देखा कि जिसे मैं अब तक बादल समझ रहा था असल में वो कोई बादल नहीं बल्कि एक थंडरबर्ड था। इस भयानक जीव की बहुत सी कहानियाँ मैंने अपने दादा दादी से सुन रखी थीं और अब मैं इस जीव को अपनी आँखों से देख रहा था। वो थंडरबर्ड बहुत बड़ा था। उसके पंखों का फैलाव एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक 40 फुट तक का रहा होगा। वो भयानक पक्षी दिखने में काले रंग की एक बहुत बड़ी चील जैसा था।
उस भयानक जीव को देखकर मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रह गई थी। खैर, अब तक मेरा भाई भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। फिर ये सब देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि आखिर ये थंडरबर्ड करना क्या चाहता है। फिर तभी मैंने जोर से चिल्लाते हुए अपने भाई से कहा कि केविन, जमीन पर लेट जाओ, जल्दी। नॉर्मली मेरा भाई मेरी ज़्यादातर बातों को मजाक समझता है और मेरी बात नहीं मानता, लेकिन उस दिन मैंने ये बात बहुत ही सीरियस होकर कही थी, जिस वजह से उसने मेरी बात मान ली और वो फौरन ही ज़मीन पर लेट गया। मेरे भाई के ज़मीन पर लेटने के कुछ सेकंड्स बाद ही थंडरबर्ड उसके ऊपर सिर्फ कुछ फुट की दूरी से उड़ता हुआ निकल गया। थंडरबर्ड को देखकर मैं भी ज़मीन पर लेट गया था। वो भयानक पक्षी मेरे ऊपर से भी निकला था। जब थंडरबर्ड मेरे ऊपर से निकला, तब मुझे बहुत तेज़ हवा का झोंका महसूस हुआ। इस भयानक घड़ी में मुझे थंडरबर्ड की वो कहानियाँ याद आने लगी जो मेरे दादा दादी मुझे सुनाया करते थे। मेरे दादा दादी कहा करते थे कि थंडरबर्ड के पंख फड़फड़ाने से तूफान आ जाते हैं, और सच में मुझे भी उस समय ऐसा ही महसूस हुआ था कि जैसे उस भयानक पक्षी के पंखों से निकली हवा किसी आंधी से कम नहीं है। फिर हमारे ऊपर हमला करने के बाद वो भयानक पक्षी बहुत तेज चिंघाड़ते हुए वापस आसमान में चला गया। हम दोनों भाई थंडरबर्ड के हमले से तो बच गए थे, लेकिन हम जानते थे कि हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, नहीं तो वो भयानक जीव हम पर दोबारा हमला करके हमें अपना निवाला बना लेगा। फिर मैं तुरंत ही भागकर अपने भाई के पास गया और मैंने उससे कहा कि केविन, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, नहीं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात पर केविन ने डरते हुए कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। मेरा भाई भी हमारे ऊपर आए खतरे को भांप गया था। इसके बाद मैं और केविन बहुत तेज़ी से भागते हुए घर की तरफ जाने लगे। हम दोनों बहुत तेज़ी से भागते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि तभी मेरे भाई ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि पीटर, वो फिर से हमारी तरफ आ रहा है। अपने भाई की ये बात सुनकर मैंने फिर से आसमान की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि वो भयानक पक्षी फिर से उड़ता हुआ हमें अपने पंजों में दबोचने आ रहा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं समझ गया था कि हम दोनों भागकर इस भयानक जीव से नहीं बच पाएंगे, इसलिए मैंने तुरंत ही अपना दिमाग चलाया और इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखते हुए मेरी नज़र पास में लगे एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर मुझे लगा कि अगर हम दोनों उस पेड़ के नीचे चले जाएं, तो शायद थंडरबर्ड से बच सकते हैं। तभी मैंने अपने भाई से कहा कि केविन, जल्दी से उस पेड़ के नीचे चलो। मेरी बात सुनकर केविन उस पेड़ की तरफ भागने लगा। मैं भी भागते हुए उस पेड़ की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में हम दोनों भाई उस पेड़ के नीचे आ गए। फिर हमारे उस पेड़ के नीचे आने के कुछ सेकंड्स बाद ही दोबारा से वो थंडरबर्ड बहुत तेज चिंघाड़ते हुए हमारे ऊपर से निकल गया। इसके बाद तुरंत ही मैं और मेरा भाई तेज़ी से भागते हुए घर की तरफ जाने लगे। अब तक हम दोनों अपने घर के काफ़ी नज़दीक भी पहुंच गए थे। फिर घर के पास पहुंचते ही हम दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मम्मी पापा को आवाज़ लगाने लगे। हमारी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मम्मी पापा घर के बाहर आ गए, और घर के बाहर आते ही उन्होंने हमसे कहा कि क्या हुआ, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अपने मम्मी पापा की इस बात का हम दोनों कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही हमें आसमान में बहुत तेज चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। हमारे मम्मी पापा ने भी उस भयानक आवाज़ को सुना था। चिंघाड़ने की उस भयानक आवाज़ को सुनकर हमारे मम्मी पापा भी बिल्कुल हैरान रह गए थे। फिर तभी वो थंडरबर्ड हमारे घर के बिल्कुल ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। हमारे मम्मी पापा ने भी उस भयानक जीव को आसमान में उड़ते हुए देखा था। उस भयानक जीव को देखते ही हमारे मम्मी पापा समझ गए कि हम दोनों उसी भयानक जीव से डरकर भाग रहे थे। इसके बाद हमने मम्मी पापा को अपने साथ हुई पूरी घटना बता दी। अगर मेरे मम्मी पापा ने उस जीव को अपनी आँखों से ना देखा होता तो शायद वो कभी हमारी बात का विश्वास ही ना करते। इस घटना के बाद मेरे मम्मी पापा ने रात को हमारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। इस घटना को बीते 11 साल हो चुके हैं, लेकिन
आज भी मुझे ये घटना बहुत अच्छे से याद है। मैं और मेरा परिवार आज भी नेवाडा के अपने उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा कभी भी हमें थंडरबर्ड दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, ये थी थंडरबर्ड नाम के इस रहस्यमय जीव को देखे जाने की पहली घटना। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और ऐसी घटना जिसमें एक शख्स ने थंडरबर्ड को देखा था। ये घटना एलेक्स नाम के एक शख्स ने शेयर की थी, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम एलेक्स है, मैं अमेरिका के एरिजोना राज्य में रहता हूँ, और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही अजीब घटना बताने जा रहा हूँ। इस घटना में मैंने एक बहुत ही बड़ा पक्षी देखा था। बाद में मुझे पता चला कि वो पक्षी कुछ और नहीं बल्कि एक नेटिव अमेरिकन लेजेंड थंडरबर्ड था। दरअसल मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूँ। मैं अपने ट्रक से किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता हूँ। तो एक बार साल 2005 को मैं अपने ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन का सामान लेकर एरिजोना के ही टक्सन शहर जा रहा था। उस समय दोपहर का समय था और मैं टक्सन शहर के पहाड़ी रास्तों से होता हुआ आगे जा रहा था। मैं रेडियो पर गाने सुनते हुए आराम से ट्रक चला रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र सड़क से दूर पहाड़ की एक चोटी पर गई। मैंने देखा कि उस पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा काले रंग का जहाज उड़ता हुआ जा रहा है। वो जहाज दिखने में किसी काले रंग के बहुत बड़े पक्षी जैसा लग रहा था। उस जहाज को देखकर मैंने सोचा कि शायद ये किसी खास तरह का मिलिट्री जहाज है जिसके बारे में हमारी सरकार ने पब्लिक को कोई जानकारी नहीं दी है। ये ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि ऐसे कई तरह के हथियार और जहाज हैं जिनके बारे में हमारी सरकार खुद अपने लोगों को भी नहीं बताती है। खैर, मैं ट्रक चलाते हुए उस अजीब से जहाज को देख रहा था कि तभी मेरे देखते ही देखते वो जहाज किसी पक्षी की तरह पंख फड़फड़ाने लगा। ये देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने अभी देखा क्या। पर कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि जिसे मैं कोई मिलिट्री का जहाज समझ रहा था वो कोई जहाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पक्षी है। फिर वो बड़ा सा पक्षी मेरे देखते ही देखते पहाड़ों के पास जाकर कहीं गायब हो गया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर मैंने अभी देखा क्या। वो पक्षी मेरे ट्रक से काफ़ी दूर था, लेकिन तब भी मैं एक अंदाजे से उस पक्षी का आकार बता सकता हूँ, और मुझे लगता है कि उस पक्षी के पंखों का फैलाव एक छोर से दूसरे छोर तक कम से कम 50 फुट रहा होगा। साथ ही उस पक्षी की खुद की लंबाई 10 फुट तक की होगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा पक्षी कभी नहीं देखा था। अपने साथ हुई इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर बाद में जब मैंने इंटरनेट पर इस तरह के बड़े पक्षी पर थोड़ी रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि नेटिव अमेरिकन्स यानी कि अमेरिका के मूल निवासियों के लगभग सभी कबीलों में इसी तरह के एक बड़े पक्षी की कई कहानियां सुनाई जाती हैं, और वो कबीले वाले उस भयानक पक्षी को कहते हैं द थंडरबर्ड। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन मैंने पहाड़ों के ऊपर जिस बड़े से पक्षी को उड़ते हुए देखा था वो कुछ और नहीं बल्कि एक थंडरबर्ड ही था। तो दोस्तों, ये थी थंडरबर्ड नाम के इस रहस्यमय जीव को देखे जाने की तो बिल्कुल रियल घटनाएं। और अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं जो कि थंडरबर्ड की असली फोटोज मानी जाती हैं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वो मुझे तो बिल्कुल असली फोटो लगती है, लेकिन अगर मैं आपसे सच बताऊं तो मुझे इस फोटो का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। मैं ये नहीं जानता कि यह फ़ोटो कहाँ की है और कब की है। इसके अलावा दूसरी फ़ोटो जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उड़ने वाले डायनासोर जैसे किसी जीव की असली फ़ोटो है। ये फ़ोटो साल 1890 की है, और इस फोटो की कहानी ये है कि अमेरिका के एरिजोना राज्य में टॉमस्टोन नाम का एक शहर है। वहाँ पर साल 1890 में कुछ शिकारियों ने आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ते हुए देखा था। उस पक्षी को देखकर वो सभी शिकारी बहुत हैरान रह गए थे। फिर उन शिकारियों ने उस पक्षी को मार डाला था,
और बाद में उस पक्षी की डेड बॉडी के साथ उन शिकारियों ने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। ये वही फ़ोटो है जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं आपको ऐसे जीवों की कुछ और फ़ोटो दिखाता हूँ। दोस्तों, फ़ोटो में दिख रहा ये जीव करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोर जैसा लग रहा है। उन डायनासोर्स में भी प्टेरोडैक्टाइल नाम का एक उड़ने वाला डायनासोर था जो बिल्कुल फ़ोटो में दिख रहे जीव जैसा ही दिखता था। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन प्टेरोडैक्टाइल यानी कि उड़ने वाले डायनासोर और कुछ और छोटे डायनासोर्स को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं आज के मॉडर्न टाइम में हो चुकी हैं, और अपने आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको उन घटनाओं के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। खैर, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको थंडरबर्ड नाम के एक नए क्रिप्टिड क्रिएचर के बारे में जानकारी दी है। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इस जीव की सिर्फ कहानियाँ ही सुनाऊँगा ताकि आपको भी बोरियत ना हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए। साथ ही दोस्तों, थंडरबर्ड के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के और भी जानकारी से भरे वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।